अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अमेजिंग कैटल एंड गोट फार्म, है निशान भाई? वेलकम टू अमेजिंग कैटल है। अच्छा भाइयों, अल्लाह के फजलो करम से जो है वो ये जगह अमेजिंग कैटल फार्म के पास अब आ चुकी है, तो इंशाल्लाह इन करीब जो है अब यहाँ पर आपको जो है वो जानवर और डेली की जो है वीडियोस मिलेंगी यहाँ पर, और बाहर से भी मैं जो है वो लुक दिखा दूँ फार्म का आपको, थोड़ा अंदर से खाते वगैरह भी दिखाते हैं। असल में जो है वो पूरा डन करने के बाद जो है वो इस साल हमने सोचा कि वीडियो आगे बनाई जाए, क्योंकि बहुत पिछले साल भी हम खोलते खोलते जो है वो रुक गए थे, क्योंकि हमने वीडियो पहले बना दी, कंफर्मेशन नहीं हुई थी, हालांकि वहाँ पर बिल्कुल एग्री हो गए थे जिनसे ले रहे थे हम फार्म। तो इस बार ये इरादा था हमारा कि हमने बोला जब पूरा पक्का हो जाए, जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, एग्रीमेंट हो जाए, तो वीडियो बनाए। अब अल्लाह के फजल से जो है वो एग्रीमेंट हो चुका है, तो इस वजह से हम वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी। जी निशान भाई, बस यार आप लोगों की दुआओं के नतीजे में अल्लाह पाक ने अमेजिंग कैटल को वजूद दे दिया है, और इस कैटल फॉर्म का नाम अमेजिंग कैटल फॉर्म है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना फॉर्म है। और बाकी ये है कि फर्दर सारी चीज़ें आप लोगों को वीडियो के थ्रू इंशाल्लाह पता चलती रहेंगी। बाकी अभी तो फॉर्म की कंडीशन के हवाले से बात करते हैं, बाकी आगे क्या बातें करनी है, किस तरीके से लेके चलना है, वो सारी इंशाल्लाह आपको दूसरी वीडियोस में सब चीज़ें पता चल जाएंगी इंशाल्लाह। भाई देखें, ये जो है वो पूरा जो है वो शेड है, ठीक है, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो शेड बनेगा, ऊपर जो है वो सीमेंट की चादरें आएंगी, ठीक है, वो भी इंशाल्लाह परसों हाँ, जाएगी। और हमने सोचा कि एक सेपरेट जो है वो यहाँ पर पाइप लगवा के गेट लगवा देंगे, ताकि सेपरेशन हो जाए, एक गेट यहाँ पर छोटा सा आ जाएगा, बछड़ियों का अलग हो जाए, ताकि जो मसला बछड़ियों का रहे ना, क्योंकि इस तरफ बछड़े इस तरफ बछड़ियाँ, क्यों निशान भाई? ऐसा ही है, बाकी ये तकरीबन जो खाता आप देख रहे हैं ये खाता है, और इसके अंदर तकरीबन 60 माल की कैपेसिटी है, जो कि खूटा छोड़ के बनेगा। बिल्कुल, एक खूटा छोड़ के बनेगा, तो खुल्ला डुल्ला 60 माल इजीली आ जाएगा। हमारी सेहत के लिए 60 माल भी बहुत है, हमारी फिजिबिलिटी तो 50 माल की है, बाकी जो ट्रेडिंग है और सारी चीज़ें वो मैं तो बात की बात है, वो तो इंशाल्लाह दूसरी वीडियोस में सारी चीज़ें आ जाएंगी। बाकी अभी आपको फॉर्म की सूरत हाल बता रहा हूँ, फॉर्म माशाल्लाह VVIP फॉर्म है ये, और सब चीज़ों से भाव बाकी बारिश, यानी कि जानवर जो है वो सुकून में रहेगा, चाहे आंधी आए चाहे बारिश आए, अंदर पानी नहीं आना। ये जो फॉर्म है भाई, ये पहली दफ़ा बिल्कुल ब्रांड न्यू फॉर्म है ये, और फर्स्ट टाइम हम ही लोग यहाँ पे रन करेंगे, हम नई जानवर यहाँ पे डालने, और यहाँ वनडे का रूम अलग है, हमारा अपना रूम है अटैच बाथ के साथ अलग है, लेबर का वॉशरूम अलग है, वनडे की जो छत है वो वकास अभी आपको दिखा देगा, उस पर भी छत डली हुई है जहाँ वंडा मिक्सिंग होगा, तूड़ी का गोदाम भी अलग है यहाँ पे, सारी वो तूड़ी का बंकर बना हुआ है। बाकी जो है वो जो है बहुत ज़बरदस्त है, जमील मेमन सोसाइटी में फॉर्म है, जैसे कि आप लोगों को पहले वीडियोस में बताया भी है कि मेरा दिल है कि जमील मेमन सोसाइटी में बैठूं, क्योंकि ये काम की जगह है। बिल्कुल, यहाँ पर देखें असल में जो है वो एक तो क्लाइंट मिलेगा, सीखने को भी मिलेगा, मार्केट एक मेन मार्केट जो है मेन हब यही है, तो यहाँ पर इंशाल्लाह जो शुरू किया हमने, बस आपकी दुआएं चाहिए होंगी, और इंशाल्लाह कोई ना कोई गेट टुगेदर रखेंगे, जब जानवर वगैरह आ जाएंगे तो इंशाल्लाह गेट टुगेदर करेंगे, सबको जो बुलाएंगे, आप लोगों को भी बुलाएंगे इंशाल्लाह, यहाँ पर प्रॉपर इसकी ओपनिंग करेंगे बाकी आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है, अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें कामयाब करे, खुलूस नियत के साथ, साफ नियत के साथ इस फॉर्म को चलाने की, रन करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बाकी जो है खोरे वगैरह बिल्कुल जो प्रॉपर बनी हुई है, बिल्कुल पक्की खोरे बनी हुई है, और इनकी हाइट भी देखें कितनी है, यानी कि खोरों के हवाले से बता दूं, जैसे कि आप लोग देखते हैं कि बीच में टायरों पे माल बनता है, तो यहाँ दिन में टायरों पे नहीं बनेगा, खोरों पे माल बनेगा। हाँ, ये अच्छा सिस्टम हुआ हुआ है, क्योंकि टायर फिर जानवर भागते तो बीच में आते रहते हैं, तो यहाँ पर स्पेस पे जाना नहीं, यहाँ पर खोरे बना दिए हैं, खर्चा किया हुआ है फार्म के ऊपर, तो यह है कि जगह भी अच्छी है, खर्चा भी अच्छा हो रहा है, बना हुआ भी अच्छा है फार्म, जो है वो सबसे अच्छा कॉलोनी का मेरे ख्याल से अब तक का फार्म यही मुझे लगा है यहाँ पर जो नया बना हुआ। सारे फॉर्म देखे, बाकी यहाँ दिल यहाँ पर ठुक किया था, क्योंकि इतने टाइम बाद फॉर्म शुरू कर रहे हैं, तो ऐसी जगह पे बैठे कि आप लोग भी आए तो आपको भी मज़ा आए यार, वाकई किसी फॉर्म में आए, और सिर्फ यहाँ पर आने की वजह पता है क्या है कि रात का 2 बज रहे हो 3 बज रहे हो, हाईवे मेन हाईवे, हम यहाँ पर सीधे सीधे आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है मसाइला। ये कल इंशाल्लाह यहाँ पे डंपिंग हो जाएगी, 10 डंपर बालू रेत के डल जाएंगे, अंदर भी पेड़े बनने हैं, बिल्कुल एक प्रॉपर वे पे प्रोफेशनल की तरह इंशाल्लाह ये फॉर्म बनेगा। और मैं आपको छत दिखाऊँ, यहाँ पर छत के ऊपर पतंगबाजी भी करेंगे निशान भाई, देखें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं छत पे, छत बहुत ज़बरदस्त है,
ये वनडे की जगह है। हाँ ये वनडे का रूम है, सही है ना, यहाँ पर वनडा जो है वो बनेगा। यहीं से दिखाता हूँ, वहाँ पर कल भी दिखा देंगे। नहीं पूरा दिखा देते ना यार, ये देखे भाई ये पूरी की जो है वो वनडे की जो है वो अंदर की खोर है, और एक अंदर खोर बनी हुई है जिसमें दलिया हट्टी वगैरह भीग जाता है वो है, और इसके अलावा फिर जो यहाँ पर आ जाते हैं तो रूम आ जाते हैं हमारे पूरे जो यहाँ पे फर्श होगा ये पूरा अच्छा है। यहाँ पर जाओ लेवल होके फर्श डलेगा, पूरा फर्श होगा, और यहाँ पर थोड़ी हरियाली वगैरह भी कर देंगे। एक ये रूम है, एक ये रूम है, और इसके बाद आ जाती है छत। बल्कि यहाँ पर पहले ये तूड़ी का भी बंकर दिखा देना, ये तूड़ी का है। यहाँ पर हम सोच रहे हैं कि अपने जो बकरे वगैरह पाल लें, तूड़ी की जगह ये कर दें, वो देखेंगे जो भी फिजिबिलिटी बनती है आखिर में एंड एंड। बाकी जो है वो छत पे चलते हैं, बैठक छत पे होगी हमारी है। हाँ बैठक छत पे होगी, व्यू इतना प्यारा है इस जगह का, आप देखें माशाल्लाह से पूरी ग्रीनरी ग्रीनरी है, और पहाड़ वगैरह जमील मेमन सोसाइटी में ही है। और ये लोकेशन वगैरह इंशाल्लाह डिस्क्लोज कर देंगे जल्दी आपसे, जब भी जो है वो मुलाकात का जो है वो इम्कान होगा प्लान करेंगे। बाकी ये पूरा का पूरा अमेजिंग कैटल फार्म है इंशाल्लाह, और यहीं पर ही कुछ ना कुछ कर रहे होंगे निशांत भाई, कढ़ाई शढ़ाई बना रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे? ऐसे ही कुछ आप तो करेंगे, रोज़ाना करेंगे करने के लिए कुछ मेरे पास मिल गया। बाकी यही है, ये आप लोगों की प्यार और मोहब्बत का नतीजा है जो हमने स्टेप उठाया, क्योंकि पर्सनली तौर पर आप लोगों के बड़े मैसेज आते थे यार निशांत भाई कर लो यार कब करोगे, तो इसी चीज़ को सोचते हुए हमने कहा चलो यार एक छोटा सा ही पर कर लेते हैं। छोटा तो नहीं खैर बहुत बड़ा फार्म है, हाँ छोटा ही है यार बड़ा है, पर आपको पता है यहाँ पर रेंट वगैरह क्या हिसाब किताब होता है, तो हमारे लिए तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी जगह है। बाकी ये पूरी फसलें वगैरह भी लगी हैं वहाँ पर सीधी हो रही हैं, और ये जो है वो घास फूस है, अभी तो बारिशों की वजह से उग गई है, और सुनने में आया कि यहाँ पर जो है वो मंडी भी लग सकती है, जो जैसे कॉलोनी में लगती है, तो सुनने में आया कि यहाँ पर जो है मंडी भी लगाने का रहता है जिनसे हमने जगह ली उन्हीं की जगह ही है, तो बाकी देखेंगे इन दी एंड क्या होता है इंशाल्लाह। प्रॉपर पानी की टंकी, और बाकी इसके अलावा मैं आपको हाँ क्या बता रहे थे, प्रॉपर पानी की टंकी बनी हुई है। हाँ अच्छा, ये वॉशरूम वगैरह के लिए जो वो है हॉट टब वगैरह लगवा देंगे हम अंदर जो है वो, तो उसके लिए एक टंकी भी यहाँ पर है। और बाकी मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि पलाई वगैरह का जो सिस्टम है तो वो इंशाल्लाह जो है सितंबर से जो है स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी 15 दिन तो लगेंगे इसको फार्म को पूरा कंप्लीट होने में, थोड़ा बहुत ही रह गया है, टीने लगनी है बस। पलाई का भी है, फिर हम अपना ट्रेडिंग का भी माल लेके आएंगे, फिर अपना भी माल पालने के लिए लेके आएंगे, बहुत सी चीज़ें करनी है, वो इंशाल्लाह फर्दर आपको वीडियोज़ में मिलती रहेगी इन्फॉर्मेशन। बाकी आप जो है वो अभी से रब्ता करना चाहे तो कर सकते हैं, नीचे नंबर चल रहा होगा, पलाई के लिए रब्ता कोई करना चाहे भाई तो कर सकता है, क्यों भाई ऐसा ही है भाई, ताकि जो है वो आगे जो है वो हम स्लॉट वगैरह बचा के रखें उसके लिए, बाकी ट्रेडिंग वगैरह भी करेंगे इंशाल्लाह। और बस मौसम ऐसा हो रहा है कि बस अभी बारिश होने वाली है, निशान पे क्या है ऐसे ये बड़ा आश्चर्य मौसम, गार्डन गार्डन हो रहा है चले इंशाल्लाह। फिर ये कि उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, इंशाल्लाह यहाँ पर प्रॉपर व्लॉगिंग आपको मिलेगी, और बस इसी साथ जो है वो इजाज़त चाहेंगे आपसे, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।